आज आप लोगों को जो टॉपिक है केमिस्ट्री के रिवीजन में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें नहीं करने क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा पहले तो हम ये कर चुके हैं लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ इतना ही करना है जितना उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें अल्केन्स के बारे में या अल्काइल रेडिकल्स के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स जो हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड आइटम जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम रिस्पेक्टिवली बोल सकते हैं अल्केन्स एंड अल्काइन, जिसमें ENE और YNE आएगा। ठीक है, ANE जहाँ है वो उसका मतलब है वो अल्केन है और उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया ही जाएगा, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं होगा। दूसरा अल्केन्स के बारे में बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका जनरल फार्मूला क्या है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो और इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। और आपको इसको भी डिफाइन करना है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला, और इसके जो हमारे पास रेंजेस हैं जो नंबर ऑफ यहाँ पर उन्होंने एन लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो एन रेंजेस फ्रॉम 1 to 40, जो को नंबर ऑफ जो कार्बन कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोजन है वो कहाँ जा सकते हैं 1 से 40 तक। अच्छा जी, अब उन्होंने नीचे आपको पास होमोलोगो सीरीज़ के बारे में बताया, नीचे उन्होंने वही एग्जांपल दी हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड टू द ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी सेम। ईच ग्रुप इज नॉन एज द होमोलोगो सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगो सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन कॉमन। एक तो सारे के सारे मेम्बर जो हैं उनका जनरल फार्मूला अल्केन्स अल्काइन्स का ये होगा CnH2n+2 अल्केन्स, CnH2n अल्केन्स ENE जिसमें डबल बॉन्ड होगा, CnH2n-2 अल्काइन्स YNE जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट उनका ये है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2। मतलब मैंने ये आपको याद होगा जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो उनके चेंज आते जाएंगे एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव एटॉमिक मोलर मैसेस। ठीक है, तो मोलर मैस में इनमें 14 यूनिट्स का चेंज आता जाएगा। नेक्स्ट है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम है इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी सेम। नेक्स्ट है दे आर रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज द मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर चेंजेस आएंगी, जैसे जैसे इनके कार्बन नंबर जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे असर होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मैसेस, जैसे जैसे हमारे पास बेटा मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होता जाएगा हमारे पास जो इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं या मेल्टिंग पॉइंट हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। जैसे आपको पास सीधी सीधी सी एग्जांपल है, हमने पढ़ा था जो मीथेन है CH4 वो वाला जो हमारे पास है वो गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन नंबर जैसे इंक्रीज होते जाएंगे शुरू वाले 4 जो है वो गैस में हैं फिर हमारे पास लिक्विड में आ जाते हैं और जैसे ही कार्बन नंबर अगेन हमारे पास ऐड होते जाएंगे तो वो हमारे पास लिक्विड से सॉलिड में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा दे कैन बी प्रिपेयर बाय द सिंपल जनरल मेथड, और उसको जनरल मेथड से सिंपल जनरल मेथड से तैयार किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम देन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर रिएक्टिव एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, यही बात उन्होंने दोबारा बोली है कि हमारे पास इसको हम ड्राइव कर सकते हैं चाहे हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप एक हाइड्रोजन को कम करते हो ऑब्वियसली जो हमारे पास बॉन्ड है उसका जो सिंगल बन रहा है वो डबल हो जाता है, डबल जो है वो अगर उसे और कम करो तो वो ट्रिपल में चेंज हो जाता है, तो वो आपके पास ऐसे इनके अंदर वेरिएशन आती जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक जिसकी हमने रिवीजन की है। बेटे इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।